हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 15। ओके चैप्टर 15 जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, यहां पर ये इंस्ट्रूमेंट मैंने लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, रिफ्लेक्शन आ रहा होगा बट दिस इज इंस्ट्रूमेंट। यहां पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर का जिस तरीके से नाम सजेस्ट कर रहा है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग, तो यहां पर एक चीज के बारे में मैं छोटी सी गुफ्तगू करना चाहता हूं, और वो क्या है कि एक चीज होती है डिटेक्शन और एक चीज होती है मेजरमेंट। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, मेरी आंख जो है वो रोशनी को देख सकती है, तो जो आई है वो लाइट को डिटेक्ट कर सकती है, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी कितने कैंडल है ये नहीं बता सकती। इसी तरीके से मेरे कान साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन साउंड की इंटेंसिटी कितने डीबी है, कितने डेसीबेल है, वो मेरे कान नहीं बता सकते। लेकिन मेरे कान मुझे बता सकते हैं कि यस, आवाज है, पहले के मुकाबले में आवाज ज्यादा हो गई है या पहले के मुकाबले में आवाज कम हो गई है। सो वेरिएशन एंड साउंड का होना या ना होना, ये मेरे कान मुझे बता सकते हैं। सिमिलर स्टोरी गोज फॉर दी लाइट, जो कि मेरी आंखें करती हैं। इसी तरह हमारी स्किन है, हमारी स्किन जो है वो हीट को डिटेक्ट कर लेती है। हम एक ऐसे कमरे में चले जाएं जिस कमरे में एसी लगा हुआ हो, तो जैसे हम उसमें एंटर होते हैं तो हम कहते हैं कि यस, कमरा ठंडा है, तो बाहर के मुकाबले में जैसे ही हम एंटर हुए हमारी स्किन हमें बता देती है। तो हमारी स्किन जो है वो टेम्परेचर के डिफरेंस को डिटेक्ट कर लेती है, लेकिन वो टेम्परेचर कितना है उस कमरे का, ये हमारी स्किन हमें नहीं बताती। तो इसका मतलब ये है कि मुझे, मैं इस मौके पर ये कह सकता हूं कि नेचर में जो फिनोमिना है वो फिनोमिना हमारे पास कौन से हैं, डिटेक्शन के हैं। हम डिटेक्शन के फिनोमिना को इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजार के किस में कन्वर्ट करते हैं, मेजरमेंट में कन्वर्ट करते हैं। सो जिस प्रोसेस के जरिए हम डिटेक्शन को मेजरमेंट में कन्वर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं कैलिब्रेशन, दिस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। सो डिटेक्शन को से हम क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं चीज को, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो मेजरमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। कैलिब्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कैलिब्रेशन इनफैक्ट एक ब्रांच है पूरी, मुझे कहना चाहिए अप्लाइड फिजिक्स की एक ब्रांच है, यानी जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइसेस को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है, यानी कैसे डिवाइसेस को समझाया जाता है, ये कह लो ठीक है, कि वो क्या करें, किसी भी डिटेक्शन के फिनोमिना से उसको मेजरमेंट की तरफ लेके चले जाए। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि मेरे पास एक बॉल है और सामने एक बास्केट है जिसमें मैं बॉल को फेंक रहा हूं, बास्केट बॉल होती है, तो बास्केट के अंदर मैं एक बॉल को फेंक रहा हूं, तो मैं बॉल फेंकता हूं और बॉल बास्केट से पहले गिर जाती है, तो मेरा जहन मुझे बता रहा है कि यार तुमने बॉल ना बहुत लो पावर से फेंकी थी, जो पावर इंक्रीज करो, मैंने पावर इंक्रीज की तो बॉल जो है वो बास्केट के ऊपर से गुजर गई, तो मेरा ब्रेन बताएगा तुमने ज्यादा फोर्स इस्तेमाल की है, फोर्स पहले जो सबसे पहले फोर्स इस्तेमाल की थी उससे ज्यादा इस्तेमाल करो, लेकिन दूसरी दफा जो फोर्स इस्तेमाल की उससे कम, तो मैं कुछ दरमियानी लेवल की फोर्स यूज करूंगा और मेरी बॉल बास्केट के करीब जाएगी, फिर मैं देखूंगा दाएं गई बाएं गई, समझ आ गई मेरी बात। सो मैं अपने आप को कैलिब्रेट करूंगा, बिल्कुल वैसे कि जिस तरह हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह हम किसी बच्चे को लिखना सिखाते हैं तो उसको पेन पकड़ना आ जाता है, वो पेन पकड़ लेता है लेकिन वो किस तरह लिख रहा होता है, लेकिन बहुत जल्द उसका ब्रेन उसको क्या करता है, समझाता है कि ये वर्ड ऐसे लिखना है। सो वो जो सीखने का प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। अब डिवाइसेस के लिए हमारी तरह इंटेलिजेंट तो नहीं कि वो सीखे, तो वहां पर हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कैलिब्रेट करना। सो कैलिब्रेशन इज द फिनोमिना, कैलिब्रेशन इज द टेक्निक बाय विच वी कन्वर्ट ए प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन इनटू द प्रोसेस ऑफ द मेजरमेंट। ओके, प्लीज ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। एंड नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक विच इज नोन एज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए, ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, हमारे कोर्स में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर इसके अलावा भी मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं,
लेकिन हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। देखिए हम करते हैं कि हमारे पास एक पोल कॉनकेव पोल मैग्नेट है। कॉनकेव पोल का मतलब है कि ये जो मैग्नेट है ये कर्व्ड है, ठीक है, यानी इनकी जो शेप है वो क्या है, यहां से कर्व्ड है। तो सपोज ये मैग्नेट का नॉर्थ है और ये मैग्नेट का क्या है, साउथ। तो ये जो कर्व बने हुए हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये है हमारे पास कॉनकेव पोल मैग्नेट। तो कॉनकेव पोल मैग्नेट बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक क्वाइल को सस्पेंड कर दिया। ये एक क्वाइल है जिसको हमने क्या कर दिया, इसमें सस्पेंड कर दिया, किसके थ्रू, एक स्प्रिंग के जरिए हमने इसको सस्पेंड कर दिया। हेलिकल स्प्रिंग है, बहुत ही सॉफ्ट किस्म के स्प्रिंग होते हैं, इनसे हम इनको क्या कर देते हैं, हैंग कर देते हैं। और इसके साथ हम यहां पर एक क्या लगा देते हैं, एक पॉइंटर लगा देते हैं, और सामने हम एक स्केल लगा देते हैं जिसके ऊपर कुछ रीडिंग्स लिखी होती है हमारे पास। अब इसमें कुछ एसेंशियल पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हो गया कॉनकेव पोल मैग्नेट, ठीक है। अच्छा कॉनकेव पोल मैग्नेट तो है, बट द क्वेश्चन इज व्हाई दे आर कॉनकेव। जो मैग्नेट के मैग्नेट है वो हमने प्लेन मैग्नेट क्यों नहीं यूज किया, स्ट्रेट हमने यू कर्व क्यों यूज किए, ये जो कर्व यूज किए इसको हम कह रहे हैं कॉनकेव पोल मैग्नेट। सो द क्वेश्चन इज व्हाई नॉट स्ट्रेट। इसका सवाल का जवाब ये है कि एक्चुअली अगर मैं इस तरीके से स्ट्रेट मैग्नेट यूज करता, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो यहां से जा रही थी और वो मैग्नेटिक फील्ड जो यूं जाती, ये दोनों डिफरेंट होती मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात समझ लो, ये लाइन बड़ी है जबकि ये जो लाइन है ये छोटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो स्ट्रेट या प्लेन मैग्नेट है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो होती है नॉन यूनिफॉर्म। सो कॉनकेव पोल मैग्नेट कौन सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि अगर आप एक सर्कल को दरमियान में से काट लें, तो अगर एक सर्कल को आपने इसे दरमियान में से ब्रेक कर दिया तो ये हमने बना दिए बेसिकली कॉनकेव पोल। बात समझ में आ रही है, ये है सारा, थोड़ा सा सफाई कर लूं इसकी मैं, ये हो गया। तो ये कॉनकेव पोल हो गया, हमारे पास कर्व्ड है। तो हम जानते हैं कि सर्कल में यहां से लाइन गुजरने वाली लाइन, सर्कल के सेंटर से गुजरने वाली ये लाइन, जितनी भी लाइन सेंटर में से गुजर रही है वो तमाम लाइंस क्या कहलाती है, डायमीटर। और सर्कल का डायमीटर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो ये जो कॉनकेव पोल हमने यूज किए हैं, इसकी वजह ये है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए, वो बननी चाहिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन हम क्या चाहते हैं, ये जो हमने कॉनकेव पोल यूज किया ये बहुत अहम बात है। जो सेकेंड रीजन है कॉनकेव पोल का, वो रीजन ये है कि हमारी जो क्वाइल है उसका फेस, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ हमेशा पैरेलल रहे। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कुछ इस किस्म की बात करना चाहता हूं। देखें सपोज ये क्वाइल है, ठीक है, ये जो पीस है ये एक क्वाइल है और ये मेरे कॉनकेव पोल है, ठीक है, ये कॉनकेव पोल है। तो इस तरीके से और इस तरीके से, जब मेरी क्वाइल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे रखी हुई है, ठीक है ना, इस तरीके से मेरी क्वाइल रखी हुई, जब क्वाइल इस तरीके से रखी हुई है, यूं करके मैंने बना लिया, जब क्वाइल हमने ऐसे रखी हुई है तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड। जब क्वाइल ट्विस्ट कर जाएगी, जब क्वाइल ट्विस्ट करेगी तो क्वाइल के पैरेलल ये वाली मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे क्वाइल ट्विस्ट करती रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि क्वाइल ऐसे है ना, ये कर्व है, ठीक है, तो ये क्वाइल जो है ऐसे से रोटेट कर रही, तो क्वाइल जिस भी समय पर रोटेट करेगी कोई ना कोई लाइन उसके पैरेलल रहेगी। ये मेरी बात समझ में आ रही है। सो कॉनकेव पोल यूज करने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है, हम चाहते हैं कि जो क्वाइल रखी हुई है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल सब्सटेंड करे वो एंगल मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब जीरो होना चाहिए। अब जीरो एंगल मैक्सिमम क्यों होता है, चैप्टर नंबर 14 के अंदर हमने वो बात पढ़ी है, अभी जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूं। दूसरी बात, हमारे पास इसका जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है, वो क्वाइल है, ये जो क्वाइल हमने रखी हुई है। तो सेकंड एसेंशियल पार्ट हमारे गैल्वेनोमीटर का क्या बन गया, वो हमारे पास बन गया क्वाइल। तो क्वाइल जाहिर सी बात है किसी चीज के ऊपर हमने लपेटी होगी। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ये रेक्टेंगुलर सिलेंडर है तो इस सिलेंडर के ऊपर वायर को मैं क्या करूंगा, वाउंड करूंगा, जिस तरीके से मैंने चैप्टर नंबर 14 में बताया था सोलेनोइड।
तो सोलेनोइड किसी एक कोर के ऊपर हमने तार को लपेटा था ना, तो हमेशा किसी चीज के ऊपर हम वायर को वाउंड करते हैं, राइट। सो कोर है और प्लस हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन का क्या है, एक सिलेंडर है। तो सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर के ऊपर हमने क्वाइल को क्या किया हुआ, वाउंड किया हुआ। ये हमारे पास सेकंड एसेंशियल पार्ट है। थर्ड एसेंशियल पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, ये पॉइंटर है जो कि बता रहा है कि डिफ्लेक्शन या सुई कहां पर है, तो मैं इसको लिख रहा हूं पॉइंटर। और अगला एसेंशियल पार्ट हमारे पास क्या हो सकते हैं, स्केल। तो मैंने स्केल भी लिख दिया, स्केल इज ऑल्सो द एसेंशियल पार्ट। तो ये मेरे पास एसेंशियल पार्ट्स हैं किसके, गैल्वेनोमीटर के, राइट। तो इसके बाद हम गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल के ऊपर बात कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा है। देखिए क्या हो रहा है, हमने चैप्टर नंबर 14 में बात की थी जब मैंने मोशनल ईएमएफ आपको समझाया था। मैंने कहा था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी क्वाइल को रख दें, याद है, मैग्नेटिक फील्ड में किसी क्वाइल को रख दें और उसमें से अगर हम करंट गुजारें तो वो क्वाइल क्या करती है, मूव कर जाती है। करंट का मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे और मूवमेंट का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी, राइट। ये बात समझ में आ रही है। सो आज आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्वाइल को रखा हुआ है और गैल्वेनोमीटर हम कहां पर यूज करते हैं, जहां कहीं हमें लगता है कि वहां पे करंट है तो करंट को डिटेक्ट करने के लिए वहां हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां करंट गुजर रहा है वहां गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करोगे तो गैल्वेनोमीटर की इस क्वाइल में से क्या गुजरेगा, करंट गुजरेगा। तो जब करंट गुजरेगा तो गैल्वेनोमीटर की क्वाइल क्या करेगी, मोशन देगी। अब ये मोशन कैसे देती है, ये क्वाइल क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड में क्वाइल को रखो और जब करंट गुजारो तो क्वाइल रोटेट करती है। इसको हमने कहा था चैप्टर नंबर 14 में टॉर्क। तो बेसिकली इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। उस टॉर्क को हम कहते हैं, कौन सा टॉर्क कहलाता है हमारे पास, मैग्नेटिक टॉर्क कहलाता है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक टॉर्क। और इस मैग्नेटिक टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने लिखवाया था बीना कॉज अल्फा, राइट। अब ये जो कॉस अल्फा है, अल्फा इस एंगल के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये अल्फा कितना है। तो ये जब मैं कॉनकेव पोल मैग्नेट की बात अभी आपको जब बता रहा था तो मैंने आपसे क्या बोला था कि वो जो क्वाइल है उस वो हमेशा उसका जो प्लेन है वो हमेशा पैरेलल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है क्वाइल का जो प्लेन है वो उसके हमेशा पैरेलल है। तो अब क्वाइल टर्न करेगी फिर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड और टर्न करेगी तीसरी मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब है कि कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पैरेलल रहती है क्वाइल के, कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है फेस ऐसे, जब क्वाइल ऐसे टर्न कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कॉनकेव पोल है ना, इस तरीके से हो गया। तो हमारे पास यहां पर याद रखिएगा जो एंगल है वो हमेशा कितना बनता है, जीरो। और हम ये बात जानते हैं कि कॉस जीरो किसके इक्वल होता है, वन के। तो ये जो मेरे पास मैग्नेटिक टॉर्क है ये बन जाएगा बी आई एन ए, नेवेट इक्वेशन नंबर वन। एंड वी नो दिस बी इज द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ, दिस आई इज द करंट जो इस क्वाइल में से गुजर रहा है, यानी जहां से करंट गुजर रहा है वहां पर हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया। और एन क्या है, वो नंबर ऑफ टर्न्स है जो जितनी दफा हमने वायर को उस सिलेंडर के ऊपर, इस सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर के ऊपर हमने बाउंड किया हुआ है। सो नंबर ऑफ टर्न्स दिस इज एन, और ए क्या है, क्वाइल का एरिया। सो दिस इज द मैग्नेटिक टॉर्क, ये वो मैग्नेटिक टॉर्क है जो इसमें प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब जब मैग्नेटिक टॉर्क इसमें प्रोड्यूस हुआ तो क्वाइल क्या कर जाएगी, क्वाइल टर्न कर जाएगी। जब क्वाइल टर्न करेगी और करंट गुजरना बंद हो गया तो क्वाइल वहीं रुक जाएगी, क्वाइल वापस नहीं आएगी। तो क्वाइल को वापस लाने के लिए ये वो स्प्रिंग है जो हमने लगाए हैं। तो हमने क्या किया, जब हमने स्प्रिंग साथ लगाए तो जब क्वाइल घूमी तो वो स्प्रिंग क्या करके स्ट्रेच कर गए, मेरी बात समझ में आ रही, स्प्रिंग क्या करके स्ट्रेच कर गए, सख्त हो गए, घूम गए। तो जैसे करंट गुजरना बंद हो गया तो क्वाइल क्या, वो स्प्रिंग क्या करेंगे, क्वाइल को वापस ले आएंगे। तो वो जो स्प्रिंग है वो क्वाइल को, क्वाइल घूम के इधर गई और उसको वापस लेकर आएंगे। तो वो स्प्रिंग वापस लेकर आ रहे हैं, तो वो कौन, जब वापस लेकर आ रहे हैं तो घुमा के वापस ला रहे हैं ना। तो जब घुमा के वापस ला रहे हैं तो घूम रही है जब कोई चीज, तो दोबारा किसका कॉन्सेप्ट आ गया, टॉर्क का कॉन्सेप्ट आ गया। ये जो टॉर्क है इसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोर का मतलब है वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे लाने वाला टॉर्क है। तो जो वापस ये जो स्प्रिंग है ये जो घुमा के क्वाइल को वापस लाते हैं, दिस इज कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क। और इसको हम पूरा नाम देते हैं इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क। तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू रिस्टोरिंग टॉर्क,
रिस्टोरिंग टॉर्क के मुताबिक, ये जो टॉर्क है हमारे पास, ये कहलाता है सी थीटा। इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर टू का। इसमें जो हमारे पास थीटा है, ये क्या है? ये है डिफ्लेक्शन। क्वाइल कितनी घूमी थी और क्वाइल कितने एंगल पर वापस आई है, वो जो एंगल है हमारे पास वो क्या कहलाता है? थीटा। अच्छा, अब इसमें दो बातें ये कि हम ये बात जानते हैं कि क्वाइल जो कि घूम रही है और वो जो एंगल बना रही है, जिसको याद है हमने चैप्टर नंबर 14 में ये अल्फा कहा था, तो ये अल्फा हमारे पास कौन सा एंगल था जो कि क्वाइल बना रही थी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये जो थीटा है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल नहीं बन रहा, ये क्वाइल ने कितना ट्विस्ट किया है, ये वो एंगल है, राइट? ये दोनों एंगल एक दूसरे से डिफरेंट है, ये प्लीज ख्याल कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये अल्फा और ये थीटा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, लेकिन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। मेरा मतलब ये है कि जितना अल्फा बढ़ाएंगे उतना थीटा इंक्रीज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं स्प्रिंग ना लगाऊं, सोचे मेरी बात, और करंट गुजरा, जैसे करंट गुजरा क्वाइल घूमी, तो क्वाइल घूमी करंट गुजरना बंद हो गया तो क्वाइल रुक गई, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको पता है जब कोई चीज मूव करती है तो उसमें एनर्शिया क्रिएट होता है, तो क्या होगा, जैसे हमने उसको लगाया तो क्वाइल को यहां आना चाहिए था, इनर्शिया की वजह से वो यहां नहीं बजाय ऐसे इतना घूम जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां वो करंट आना बंद हो गया तो उसको यहां रुक जाना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ द इनर्शिया वो घूम रही थी तो वो घूम के थोड़ा आगे चली जाएगी। इस चीज को बैलेंस कर रहे हैं वो स्प्रिंग जो ऊपर लगे हुए हैं, तो जितनी क्वाइल घूम रही है स्प्रिंग उसको वापस ला रहे हैं, लेकिन चूंकि करंट की वैल्यू ज्यादा है तो मैग्नेटिक टॉर्क जा रहा है, जैसे ही ये क्वाइल रुक जाएगी तो मैं ये समझ सकता हूं कि जितनी मैग्नेटिक टॉर्क घुमा रहा है उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क वापस लाना चाहता है। ना तो अब मैग्नेटिक टॉर्क इसको मजीद आगे ले जा सकता है, ना रिस्टोरिंग टॉर्क इसको वापस ला सकता है, इसलिए क्वाइल उस जगह पे रुक गई। जब एक जगह पे रुक गई तो इसका मतलब ये है कि रिस्टोरिंग टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये मेरी बात समझ में आ रही है? फिर अगर हम जहां से करंट गुजर रहे हैं वहां से डिस्कनेक्ट कर लें तो स्प्रिंग का जो टॉर्क होता है वो बढ़ जाता है, वो वापस ले आता है इसको। ओके, सो मैं कहता हूं कि एट बैलेंस कंडीशन, मैं इसको बैलेंस कंडीशन का नाम दे रहा हूं, बैलेंस कंडीशन में ये दोनों टॉर्क आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी ये जो हमारे पास मैग्नेटिक टॉर्क है जिसे मैं कह रहा हूं बी आई एन ए, और ये जो टॉर्क है जिसको मैं कह रहा हूं सी थीटा, दे बिकम इक्वल। ओके, अच्छा, यहां तक पढ़ने के बाद हमें एक बात समझ में आ रही है, और वही समझ में आ रही है कि गैल्वेनोमीटर हम कहां पर यूज कर रहे हैं, वहां पर यूज कर रहे हैं जहां पर करंट गुजर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर को अब टाइम है उसको डिफाइन करने का। हो सकता है बहुत सारे लोग बोले गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन तो सबसे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं अब उस पोजीशन पे हूं कि मैं गैल्वेनोमीटर के बारे में बात कर सकता हूं। गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है? जब करंट गुजरता है तो गैल्वेनोमीटर की क्वाइल घूम जाती है, मतलब कि अगर करंट है तो गैल्वेनोमीटर की क्वाइल रोटेट करेगी वरना रोटेट नहीं करेगी। तो गैल्वेनोमीटर कौन सी डिवाइस हुई? डिटेक्टिंग डिवाइस हुई। बी केयरफुल, गैल्वेनोमीटर मेजरिंग डिवाइस नहीं है। गैल्वेनोमीटर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को क्या करती है? डिटेक्ट करती है। करंट है क्वाइल घूम जाएगी, करंट नहीं है तो क्वाइल नहीं घूमेगी। हाँ, अलबत्ता हमने ये बात एक्सपेरिमेंट के जरिए मालूम किया कि गैल्वेनोमीटर बाय डिफॉल्ट आमतौर पे लोगों के मुंह पे चढ़ा होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, तो मैं ये मुझे ऐसे फिजिसिस्ट मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए बाय इट्स कंस्ट्रक्शन। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो बाय इट्स कंस्ट्रक्शन मेजरमेंट डिवाइस भी होती है, ये भी याद रखिएगा। तो क्या मेजर कर सकती है? करंट मेजर कर सकती है। जिस करंट को डिटेक्ट कर रही है उस करंट को मेजर कर सकती है, लेकिन कौन सा करंट मेजर कर सकती है इसके बारे में हम कहते हैं मिली एम्पेयर की रेंज का करंट मेजर करती है। सो गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो नोन एज मिली एमीटर। मैंने अभी तक आपको एमीटर पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके बाद हम एक डिवाइस पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं एमीटर। सो एमीटर वो डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर करंट, इट इज कॉल्ड एमीटर, एम्पेयर मीटर। तो एम्पेयर को शॉर्ट जबान में एम और मीटर लगा देते हैं। सो गैल्वेनोमीटर अपनी कंस्ट्रक्शन में मिली एम्पेयर का करंट मेजर कर सकता है। सो क्या मैं गैल्वेनोमीटर को मिली एम्पेयर कह सकता हूं? द आंसर इज यस। ओके, लेकिन बहरहाल
fundamentally we call it a current detecting device, right? So यहाँ तक ये वो बात थी. अब इसी क्वेश्चन के बारे में मजीद हम बात करते हैं. मजीद हमें क्या बात करनी है, देखिए एक बार मैंने एक गैल्वेनोमीटर बना दिया. अगर मैं एक गैल्वेनोमीटर बना दूं, क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकता हूँ? नो. क्या मैं नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल की चेंज कर सकता हूँ? नो. क्या मैं एरिया चेंज कर सकता हूँ? नो. क्या मैं ये जो सी है इसको चेंज कर सकता हूँ? नो. अच्छा, सी के ऊपर मैंने सॉरी बात नहीं किया, मैं सी के ऊपर बात कर लेता हूँ. सी के बारे में बता देता हूँ कि सी क्या है, ठीक है? ये मुझसे रह गया था जरा. देखो ये जो सी है इस इक्वेशन में, ये जो सी है ये कॉन्स्टेंट है, और ये कॉन्स्टेंट हमें क्या बताता है ये देखिएगा. इसके बारे में मैं ऐसे लिख देता हूं, ये जो C है दिस इंप्लाइज दैट, क्या मैं C को, ये थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या मैं टॉ अपॉन थीटा लिख सकता हूं, है ना? टॉ क्या है? टॉ अपॉन थीटा. तो ये जो C है इस कांस्टेंट को हम कहते हैं दिस इज एंगल ऑफ ट्विस्ट. क्वाइल कितनी घूमी है, ट्विस्ट किया है, कितनी घूम गई है, उस ट्विस्ट का एंगल है. तो इसको हम कह सकते हैं टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, क्योंकि ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है दिस इज टॉर्क, और ये जो थीटा है ये कॉइल का घूमना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्विस्ट कह रहे हैं. सो थीटा, ये सी जो है, सी को हम कहते हैं सी इज ए कॉन्स्टेंट, जो कि हमें क्या बताता है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, कि कितने यानी किसी ट्विस्ट के ऊपर टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है. तो सी ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है. C को, ये जो थीटा है हमारे पास, दिस इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट. थीटा को हम क्या बोलते हैं, थीटा को एंगल ऑफ ट्विस्ट, कॉइल कितनी घूम रही है, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो C हमारे पास क्या कहलाता है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. ओके, ये मेरा ख्याल है समझ में आ गया. और ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है, ये हर स्प्रिंग का अपना एक कॉन्स्टेंट होता है. ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं. जिस तरह मैंने अभी कहा कि ये दोनों टॉर्क क्या होंगे, सेम होंगे. So comparing equation number 1 and 2, we get, हमें क्या मिलता है जनाब, यानी equation number 1 की left hand side, sorry right hand side हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है BINA. So this is BINA is equals to, equation number 2 की right hand side क्या हमारे पास, C theta. So I is equals to BINA, multiply वहां जाके divide कर देंगे, C divided by B एंड ए, और साथ में क्या आ गया, थीटा. तो इसको मैं अगर एक ब्रैकेट में बंद कर दूं, मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं होना चाहिए. अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूं, अगर हमने गैल्वेनोमीटर बना दिया, क्या उस गैल्वेनोमीटर में सी यानी स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है उसको मैं चेंज कर सकता हूं? नो. क्या मैं मैग्नेट्स को चेंज कर सकता हूं? ये जो मैग्नेट्स हैं नहीं चेंज कर सकता, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है. नंबर ऑफ टर्न कॉइल के जो उस पर रैप किए हुए हैं वो भी नहीं चेंज कर सकता. एरिया ऑफ द कॉइल, कॉइल का जो एरिया है वो भी नहीं चेंज कर सकता. मेरे पास एक डिवाइस है, अब उस डिवाइस को खोल के उसमें चीज है तो मैं चेंज करने से रहा. तो इसका मतलब है कि जब हम गैल्वेनोमीटर बनाते हैं तो ये जो पूरा फैक्टर है ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो मैं लिख सकता हूं कि आई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और साथ में क्या है, थीटा. तो अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा दूं तो आपको पता है क्वेश्चन में जब हम कांस्टेंट हटाते हैं तो इज इक्वल टू हटके प्रोपोर्शनल आ जाता है, साथ में आ जाता है थीटा. सो दिस प्रोपोर्शनैलिटी इज बेसिकली The principle of the galvanometer. क्या प्रिंसिपल है, जितना ज्यादा करंट गुजरेगा उतनी ज्यादा गैल्वेनोमीटर क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा. तो गैल्वेनोमीटर की सुई जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट करती है, जितना ज्यादा एंगल बनाती है, वो इस बात के प्रोपोर्शनल होता है कि कितना ज्यादा करंट गुजरा. अगर करंट कम गुजरेगा तो डिफ्लेक्शन कम होगी, करंट ज्यादा गुजरेगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी. ये मेरी बात समझ में आ रही है? सो डिफ्लेक्शन is proportional to the current flowing through the galvanometer, through the coil of the galvanometer. मेरा ख्याल है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी. अच्छा, यहाँ पर अब कुछ ये हमारे कोर्स में तो ये यहीं तक है, लेकिन बहुत सारे नोट्स के अंदर हमने देखा है कि वो क्या करते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर को भी डिस्कस करते हैं. सो मैं सेंसिटिविटी को लिखते बता देता हूँ आपको कि सेंसिटिविटी क्या है. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंसिटिविटी. तो बुनियादी तौर पे सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, देखिए सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा, सेंसिटिविटी का मतलब ये होगा कि अगर मेरे पास दो गैल्वेनोमीटर है, ये जो गैल्वेनोमीटर है मेरे पास यहां पर, वो गैल्वेनोमीटर कुछ इस किस्म का गैल्वेनोमीटर है कि जिसमें से जब समझिए जी 1 एम्पेयर करंट गुजरता है तो वो जो एंगल बनाता है वो बनाता है 10 डिग्री का,
और ये जो गैल्वेनोमीटर है जिसमें जब इसमें से एक एम्पियर का करंट गुजरता है तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये एक एम्पियर पे ज्यादा एंगल बना रहा है जबकि ये एक एम्पियर पे कम एंगल बना रहा है, तो आपके ख्याल में कौन सा सेंसिटिव होगा? ऑब्वियसली बात है जो जो सेम करंट के ऊपर ज्यादा एंगल बना रहा है, क्यों? क्योंकि एक एम्पियर पे ये 10 डिग्री बना रहा है, तो जब इसमें से दो या तीन एम्पियर गुजरेंगे तो बिल्कुल मामूली से डिफ्लेक्शन देगा। ये जो कि एक एम्पियर पे बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा था, जब इसमें से आधा एम्पियर या 0.2-0.3 एम्पियर गुजरेगा तो ये बहुत आपको डिफ्लेक्शन दे रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? यानी ये 1 एम्पियर पे 10 डिग्री दे रहा है तो ये आधे एम्पियर पे तो और कम एंगल बनाएगा, जबकि ये 1 डिग्री पे जब 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, 1 एम्पियर पे 30 डिग्री का, तो हाफ एम्पियर पे ये क्वार्टर एम्पियर के ऊपर तो ये कोई ना कोई बड़ा एंगल ही बना रहा होगा ना, नजर आ रहा होगा। तो सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि कम करंट के ऊपर ज्यादा डिफ्लेक्शन है। दिस इज व्हाट वी कॉल द सेंसिटिविटी। नाउ सेंसिटिविटी बेसिकली का मतलब ये हुआ कि वो कम से कम करंट पे कितनी ज्यादा कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो वो सब किस पे डिपेंड करता है, ये इक्वेशन बताती है किस चीज पे डिपेंड करता है। वो सब डिपेंड करता है, देखिए किसके ऊपर, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी कॉइल ज्यादा रोटेट करेगी, जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतना टॉर्क ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रोटेट करेगी, जितना एरिया ऑफ द कॉइल ज्यादा होगा उतना टॉर्क ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रोटेट करेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बी एंड ए ये सारे तो यहां पे डिनोमिनेटर में रखे हुए हैं। मेरी बात समझ रहे हो? डिनोमिनेटर के अंदर है। इसका मतलब है कि ये फैक्टर में डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा ओवरऑल आंसर उतना छोटा होगा, क्योंकि जब बी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होती है तो पूरा आंसर क्या होना शुरू होता है, कम होना शुरू होता है। तो ये पूरा फैक्टर जितना कम होगा उतनी गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा। ओके, तो सेंसिटिविटी को मैं लिख देता हूं। सेंसिटिविटी बेसिकली हमारे पास सेंसिटिविटी इज द रेशियो बिटवीन थीटा अपॉन आई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा को हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। सो सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट एम्पेयर ऑफ द करंट। दिस इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ओके, और जो डिफ्लेक्शन है, जो एंगल होता है, उसको हम किसमें मेजर करते हैं, रेडियन के अंदर। हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ द एंगल, एंगल का ऐसा यूनिट क्या, रेडियन। और करंट को किसमें मेजर करते हैं, एम्पेयर में मेजर करते हैं। तो सेंसिटिविटी का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन पर एम्पेयर है, प्लीज याद रखिएगा। और सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट एम्पेयर ऑफ द करंट, दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो ये चीज अगर मैं इस इक्वेशन से मालूम करूं, ये चीज, तो आप देखिए थीटा थीटा सी अपॉन बी एन ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं आई को इस तरफ ले आऊं तो ये आई थीटा से क्या हो जाएगा, डिवाइड इसी तरीके से होगा, तो ये बी एन ए और सी ये वहां जाकर क्या हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे। देखो ये था ना हमारे पास I is equal to C upon B and A और साथ में क्या है थीटा, तो ये B and A को मैं यहां लेके जा रहा हूं, तो यहां से हटाया तो मल्टीप्लाई बाय B and A। ओके, I से मल्टीप्लाई हो रहा है तो C मल्टीप्लाई है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये I मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो I को यहां से हटाया is equal to I, यहां क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन आई। तो सेंसिटिविटी बेसिकली कौन बताता है, बी एन ए अपॉन सी, ये बताता है सेंसिटिविटी। ओके, और इसी वजह से हमने थीटा अपॉन आई किया, ताकि बी एन ए, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज्यादा टॉर्क होगा, जितना नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा, जितना एरिया ऑफ द कॉइल ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा। ओके, सो बी एन ए अपॉन सी, तो मुझे यहां पर लिखना चाहिए कि जो सेंसिटिविटी है वो बेसिकली बी एन ए अपॉन सी है। मेरा ख्याल है यहां तक ये समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल द स्टोरी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।